यार तुम मुंह में छींक दोगे क्या? थोड़ा दूर बैठो। हम बीमार हैं, हेल नहीं पाएंगे। तुम ही थोड़ा दूर बैठो। जब इतना ही बीमार हो तो मुंह में मास्क लगा के आते? खुद तो बड़ी बड़ी बीमारी लिए बैठे हो, दूसरों को भी फैला रहे हो। ए कंपाउंडर, इनको इधर उधर शिफ्ट करो, नहीं तो अगर हमको कुछ हुआ ना तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ए भैया, तुम भड़को नहीं, जानबूझकर नहीं चीखा, हमारी सच्ची में बहुत तबीयत खराब है। वही तो कह रहे हैं, बीमार हो तो थोड़ा दूर बैठो, हाथ लगा के चीखो, गुस्से जा रहे हो हमारे। चिल्लाओ नहीं, थोड़ी शांति बना रहो, डॉक्टर साहब अभी आईसीयू में है। वाह, नहीं नहीं वाह, यहाँ हम दिखाने आए हैं और डॉक्टर साहब खुद आईसीयू में। वाह भैया वाह, क्या अस्पताल है। आईसीयू में है, पेशेंट को देखने गए हैं, एडमिट थोड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उनसे कहो अगर उन लोगों को देख लिया हो तो हम लोगों को भी देख ले आके, बहुत बीमार है। तुमको ना टीवी है, और तुम जब तक हमारे नहीं कर दोगे तब तक मानोगे नहीं, ऐसा है हमको ही उठना पड़ेगा, हम ही उठ ले यहाँ से। हे भगवान, आज के हमारे प्राण लेके ही मानोगे तुम? भगवान तुम्हारे प्राण ले ना ले, तुम यहाँ वालों के जरूर ले लोगे। यहाँ साला इतनी जोर का बुखार आ रहा है, अगर कच्चा आलू खा ले तो एक मिनट में, भाई साहब एक मिनट में उबल जाएगा आलू। देखो खुद तो बीमार पड़ा है बुखार से, और बातें हमसे पहल रहा था। तनिक आराम से चीखो, यहीं हक ना मानना तुम। ये क्या, मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने का जुगाड़? ए कंपाउंडर इधर आओ, मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते हैं क्या ये डॉक्टर? और क्या, अभी परसों एक आदमी की किडनी फेल हो गई थी तो गधे की लगा के 10 साल जीवन बढ़ा दिया डॉक्टर साहब ने। क्या इंसान के गधे की किडनी फेल दी? अरे फेल नहीं दी, सक्सेस हो गई भाई साहब, सक्सेस हो गई। नगर निगम की तरफ से 5001 रुपया का चेक मिला है डॉक्टर साहब को। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, 6-7 मरीज आए हैं, 2-3 तो बहुत ज्यादा सीरियस है। अच्छा अच्छा, भेज रहा है। चलो जाओ अंदर। ए तुम बहुत सीरियस लग रहे हो, चलो अंदर जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पिछले 3 दिन से बहुत जोर की खांसी आ रही है, जब हम खांसते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक एक एक पुर्जा दर्द करता है हमारा। अच्छा लेटो जरा, देखें इधर, इधर लेटो। ओह माय गॉड, कंपाउंडर, ए कंपाउंडर आया, डॉक्टर साहब आया। एक काम करो, जल्दी से इसके ग्लूकोज की बोतल चढ़ाओ। डॉक्टर साहब क्या हुई क्या हमका, ये तो बताओ। तुमको टीवी है, टीवी, तुमको इलाज की जरूरत है, शांति से लेटे रहो। हे हे भगवान, हम हमको टीवी, अरे टीवी ना करते, उल्टी टट्टी लगा देते हमारे। अरे ये टीवी तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उनको बचा लेना। हाँ तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा इलाज शुरू हो गया। एक कंपाउंडर जाओ दूसरा पेशेंट बुलाओ। आओ भाई साहब आओ, तुम्हारा नंबर आ गया, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बताओ क्या हुआ है तुमको? हुआ पूछ रहे हो? अरे हाथ छू के तो देखो। तुमको तो बुखार है। हाँ बहुत जोर का बुखार है, पानी पीते हैं ना तो 2 मिनट में पेट में खौलने लगता है। हाँ इधर लेटो। कितने कितने दिनों से फीवर आ रहा है आपको? डॉक्टर साहब बुखार तो हमको 25 दिनों से आ रहा, लेकिन 2 दिन से ना बहुत जोर का आ रहा, हाथ पैर ढीले पड़ गए हमारे। कोई दवा ली तुमने? हाँ, ये डोलो पैरासीटामोल यही सब खा रहे हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी। अरे प्रभु कहाँ से पड़ेगा, तुमको डेंगू है, डेंगू। डेंगू कैसे हो गया हमको? कह
ऐसे क्या हो गया का क्या मतलब? मच्छर के काटने से होता है, तुमको एडमिट करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा तुम्हारा। कौनो आया है तुम्हारे साथ? हाँ हम अकेले दिखाने आए थे, कोई नहीं आया हमारे साथ। कंपाउंडर इसके घर में फोन मिलाओ। भाई साहब अपने घर का फोन नंबर बताइए, तुम्हारे घर से बुलाना पड़ेगा और तुमको एडमिट करना पड़ेगा। ला मोबाइल, हम मिला ले रहे हैं। हेलो पारो, ए पारो हमको ना डेंगू हो गया, अब हम नहीं बच पाएंगे, जल्दी से आ जाओ अस्पताल। पारो अब हम नहीं बच पाएंगे। पहले ये बताओ कहाँ मर रहे हो तुम? तुमसे कहा था घर में आराम करो, तुम बाहर क्या लेने गए हो? हम ना डॉक्टर को दिखाने आए थे, जांच में हमारे डेंगू निकला है, हमको ना भर्ती होना पड़ेगा, तुम जल्दी से आ जाओ पारो। एक बात सुनो, ये जो डॉक्टर है ना तुमको पागल बना रहा, पैसे लूटने के लिए तुमको भर्ती करा रहा। एक काम करो तुम घर आ जाओ। डॉक्टर साहब तुम पैसे लूटने के लिए एडमिट कर रहे हो? ए, कौन कह रहा? मर जाओगे अगर इलाज नहीं कराया ना, तो मर जाओगे तुम। डॉक्टर साहब तुम ना हमारा इलाज करो, हम ना मरना नहीं चाहते। तुम ए पारो तुम जल्दी आओ। ठीक है तुम वहीं आराम करो, हम शाम तक आ जाएंगे। आओ यार यहाँ हमारी तबीयत बहुत खराब है, साला डेंगू हो गया। अरे अरे फोन क्यों काट रही है? फोन काट दिया। चलो तुम इसके बगल में लेट जाओ। इसके बगल में क्या, एक बेड पे दो मरीज को लिटाओगे क्या? तुमको ना लेटना पड़ेगा, अस्पताल में जगह खाली नहीं है, बहुत मरीज है। तुम ना चुपचाप लेट जाओ, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ ट्रीटमेंट में तो हम बचा नहीं पाएंगे तुमको। अरे डॉक्टर साहब हमको ना किसी और के बगल में लिटा दो, ये तो हमसे ज्यादा बीमार है। प्रभु उससे ज्यादा तुम बीमार हो, चुपचाप लेट जाओ, ट्रीटमेंट शुरू करना है तुम्हारा, बकवास कर रहे हो। डॉक्टर साहब अरे जल्दी चलो, वो नुक्कड़ वाला मरीज जोर जोर से सांसें ले रहा, जल्दी चलो। क्या सांसें ले रहा? अरे चलो चलो जल्दी चलो। ए ए डॉक्टर साहब हमारा इलाज। हमारा? तुम जल्दी से लेटो, अभी हम आ रहे। ए कौन है यार? अरे हम है, उधर होके लेट जाओ, हम भी लेटेंगे। अरे भैया तुम हमारा पीछा काहे नहीं छोड़ रहे? हमको ना डेंगू है, लेटने तो बहुत सीरियस है हम। ले यार लेटो। पता नहीं ये डॉक्टरवा कहाँ चला गया, हमारी तो तबीयत बहुत खराब हो रही। अभी तक शांत लेटा था, जैसे ही देखा हम आ गए, चीखना पादना सब शुरू तुम्हारा। मर जाओ, हमको इलाज ही नहीं कराना, हम जा रहे। हाँ जाओ तुम, अब हम अकेले फैल के सोएंगे इस बेड पे। जाओ टाटा।